हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत भाई प्रेम बुलबुल मैथ के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2021 में जितनी एग्जाम लगी थी 7 पेजों में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसकी जो मेंसुरेशन टॉपिक से जितने भी प्रश्न उठाए गए थे उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक क्लास कल की जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसका आउटपुट भी अच्छा दिया, शानदार दिया, तो आज उसकी सेकेंड क्लास है। और ये सेकंड क्लास जिसको आप शानदार बनाना चाहते हो तो पूरी लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको ये ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि एसएससी जीडी में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को 25 में से कम से 23 या 24 क्वेश्चन अपन को राइट करना भाई। तो प्रत्येक विद्यार्थी को वीडियो को लास्ट तक देना, बीच में पॉज कर ना देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों इसी के साथ एक बार भाई सभी विद्यार्थी एक बार क्या कर दी, शेयर कर दीजिए भाई, जिससे कि और भी विद्यार्थी अपने साथ में जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता भाई, जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो करी इस क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो आज का क्वेश्चन क्या भाई, देखो कि एक ठोस बेलन का व्यास अपन को दे रहा कितना, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी दे रही है अपन को, 12 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए भाई सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए जल्दी, बताइए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि जो बेलन है उसकी अपन को जो व्यास है, व्यास बेलन का कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है भाई अपन को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है क्या भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो अपन को निकालना भाई, निकाल भाई इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH+R, ये अपन को दे रखा। तो यहाँ पे जो व्यास दे रहा है 14, इसमें अपन 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 सेंटीमीटर अपने क्या भाई त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2π का मान 22/7 होता है, त्रिज्या अपने पास में 7 आ चुकी है, ऊंचाई अपन को 12 दे गई, प्लस में 7 किया, तो ये 7 से 7 क्या रही 44 हो गया, और ये 12 और 7 कितने होते भाई, 19 हो गया, 19 किया अपन ने। अब इनको गुणा किया तो कितना हो गया, 19 × 4 क्या तो कितना हो, 76 का 7 के आंसर 1976 में अपने 7 जोड़ा तो कितना हो गई, 83 हो गया, और आंसर कितना आ गया भाई, 836 सेंटीमीटर के अनुसार अपना आंसर आ गया। ये इस प्रकार से अपने को इसको निकालना था, ये राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह और शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला, बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन हो गई करी हुई, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको वाले क्वेश्चन में बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, करिए एक बार इस क्वेश्चन को करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों पर अपन मिस्टेक गलती कराते भाई, बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है कि बेलन का एक वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर का है, ऊंचाई अपन को 5 सेंटीमीटर दे रखी, तो बेलन की त्रिज्या निकालिए। तो बेलन की त्रिज्या पूछा है, क्या पूछा है, बेलन की अपन को त्रिज्या निकालनी है। तो बेलन की त्रिज्या कैसे निकालें भाई, त्रिज्या देखो पहली बात तो अपन को बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है भाई, मैंने कल बताया आपको कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई 2πRH होता है, ये अपन को दे रखा है 110। अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, आर निकल जाएगा ही, और क्वेश्चन में क्या देखा अपन को, ऊंचाई 5 देख रहे हो, इसके बराबर 110 दे रखा है। तो देखो भाई 2 × π का मान 22/7 होता है, इनटू आर निकालना अपन को, एच अपन को कितना दे रखा क्वेश्चन में,
एच बराबर अपन दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पे 5 रखा और बराबर में 110 किया। क्या मैंने क्या किया, 11 का भाग इसमें दिया 2 बार, तो ये भाई कितनी 10 बार, फिर 5 का भाग ये दिया मैंने 2 बार, 2 से ये 2 गया तो कितना आ गया भाई, आर बराबर आ गया भाई 7/2, तो इसको क्या कह सकता हूं 3.5 सेंटीमीटर। तो अपनी क्या निकल गई त्रिज्या 3.5 अपनी सेंटीमीटर, अपनी त्रिज्या निकल गई। सभी विद्यार्थी समझे, कुछ नहीं मात्र अपन को सूत्र पूछा था भाई, जो अपन ने पूछा था वही अपन ने लिख दिया भाई। क्या पूछा अपन को कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन ने 110 दे रखा है, तो अपन ने क्या किया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का लगा कि अपन बराबर किया, तो यहां से अपन त्रिज्या निकाली और ये त्रिज्या पूछी, त्रिज्या में आई 3.5 सेंटीमीटर, अपनी त्रिज्या निकल गई। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो एक बार भाई सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दी भाई कि आप सभी विद्यार्थियों को राइट आंसर आया है, एक बार कमेंट करिए सभी विद्यार्थी, कमेंट में यस 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 लिख दीजिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का शानदार तरीका का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन वो भी बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला भाई, करिए भाई सभी विद्यार्थी इस वाले क्वेश्चन को करिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा भाई, करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, करिए भाई। और मैं ये मात्र ग्रुप डी में पूछे गए, सॉरी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन तो करवाए पहले, लेकिन अब ये एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है जो आने वाली ग्रुप डी में काम आने वाले क्वेश्चन है और एसएससी जेडी के बाद एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चन को करवा रहे, वो भी शानदार पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहे जो एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, करिए भाई। और सबसे बड़ी बात जो रीट की एग्जाम है 26 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते काम भाई, हालांकि उतना लेवल नहीं है उसका मैथ का, क्यों काफी कम आता है, लेकिन फिर भी आ जाते भाई मैं इंस्टॉलेशन में से, तो आप करिए इस क्वेश्चन को करिए भाई। बार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले भाई एवं आयतन निकाली भाई, कोई गोला उसकी त्रिज्या पर को दे रखी कितनी 4.2 सेमी अपन को त्रिज्या दे रखी है, और ये गोले को क्या पूछा अपन को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा है। जो गोला होता है ये सर्किल होता है इस प्रकार से, ये सर्किल, इसका क्या पूछा अपन को आयतन पूछा है और ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीज पूछी अपन को, तो जो पूछिए वो लिख देते भाई। देखो तो गोले का आयतन क्या होता है, आयतन आप सभी को पता है 4/3 πr³ होता है। अब 4/3 πr³ होता है तो इसमें क्या मान रहे थे त्रिज्या अपन को दे रखी है, तो मैंने क्या किया 4/3 πr² का मान अपन को 22/7 है, r अपन को 4.2 × 4.2 × 4.2, यहां से अपन कर सकते भाई। तो देखो मैंने ये गया तो भाई 6 बार गया, ये दिया तो 2 बार गया भाई, अब यहां से सबको इसको गुणा किया मैंने कितना हो गया, कैश हो गया भाई, गुणा इनको गुणा किया हुआ कितना हो जाएगा कि 8.4 हो जाएगा × 4.2 हो जाएगा। अब इनको हम गुणा करते कंप्लीट पूरे गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा, और वो आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है, ये आयतन का जो क्या भाई आयतन गोले का आयतन, गोले का आयतन। और एक और पूछा, क्या पूछा भाई क्वेश्चन में कि गोले का वक्र पृष्ठीय, और गोला होता है गोले का वक्र पृष्ठीय के 4πr² होता है और इसमें अपन मान रख देंगे, देखो 4 लिखा, पाई का मान अपन को 22/7 दे रखा, त्रिज्या अपन को 4.2 × 4.2 दे रखी है, मैंने यहां से इसको गुणा किया 6 बार गया, फिर इसको अपन सबको गुणा करेंगे तो ये करने आ जाएगा 88 × 6 × 12 = 81 और 24 × 25, तो ये 25.5, इनको अपन गुणा करेंगे तो भाई आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये बताइए आंसर क्या आने वाला है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए इनका आंसर क्या आने वाला है, सबको कैलकुलेट करना और फिर आंसर अपन को लिखना है, क्या आंसर आने वाला है सभी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए आंसर, कमेंट करिए भाई क्या आंसर आने वाला है भाई, बताइए भाई। जो इसका आंसर आएगा वो 310.464 आने वाला है, और इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों कमेंट करना भाई, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है इसका। ठीक है भाई,
अब अगला क्वेश्चन की बात करते अपन। अगला क्वेश्चन, ये भी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए भाई प्रयास करिए करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए भाई। कि एक ठोस गेंद की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल का, एक गेंद है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल अपन दे रखा है कितना, 1386 दे रखा है, तो उसकी गेंद की त्रिज्या निकालनी भाई। तो देख लो जो ठोस होता है उसका वह क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, तो वो कितना दे रखा है, एक अपन को 4πr² दे रखा है, तो ये दे रखा, तो ये कितना दे रखा अपन को, 13 दे रखा है। तो यहां से अपन क्या पूछे, अपन क्वेश्चन में भाई त्रिज्या पूछे, तो यहां से अपन त्रिज्या निकाला है, इसमें जो अपन को पूछा वो त्रिज्या पूछिए, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो भाई यहां से मैंने ये त्रिज्या निकालने का प्रयास किया भाई, 1386/4 × π का मान 22/7 है, तो 7 अपन ऊपर ले जाएंगे भाई। मैंने 11 का भाग दिया इसमें 2 बार गया, और फिर 11 का भाग देते 1 बार गया, फिर 2 बचा, फिर ये हो गया 8, 2 बार गया 22, 6 बचा, तो ये गया कितने, 6 बार गया 66 में। अब फिर मैंने क्या किया इसमें, फिर मैंने भाग दिया भाई कितने का, 2 का दिया, 2 का गया तो कितने, 6 बार और 3 63 गया भाई। अब 63 बार गया तो कितना हो गया भाई, ये यहाँ पे देखो 63 × 7/4, तो क्या भाई ये अपन ने क्या किया, देखो रूट लगा हुआ था अपन, क्या रूट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर ऊपर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर निकल के आया भाई कितना, 21/2, तो अपन ने क्या किया, ये 10.5 इसका भाई क्या है, त्रिज्या निकल गया। कि त्रिज्या कैसे निकल के आई भाई, देखो अपन को क्या पूछा मित्रों, यहां पे त्रिज्या पूछी, तो अपन जो बेलन का ठोस गेंद दे रखे उसका क्या अपने पृष्ठ क्षेत्रफल लगाया, जो अपन को 1386 अपन को दे रखा, फिर दे रखा, तो उसके फिर बराबर करा, बराबर करने के बाद अपने ये रूट लगाया, फिर अपना आया आंसर कितना 10.5 अपना भाई करेक्ट आंसर निकल गया। देख भी दे, अब अगला क्वेश्चन देखते भाई, अगला क्वेश्चन, और आज जो मेन सॉल्यूशन है उसका लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर कल करवाएंगे क्लास, क्योंकि लंबी नहीं करवा सकते, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, इसलिए लंबी क्लास नहीं करवा सकते। ये वाला क्वेश्चन जो शानदार जबरदस्त क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी विद्यार्थी, मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए भाई। कि एक घन का आयतन 729 m³ दे रखा है, तो घन की वजह निकालिए भाई, जो घन है घन का आयतन कितना दे रखा है अपन को, 729 दे रखा है, क्या भाई 729 m³ दे रखा है, तो घन का जो आयतन क्या होता है, वो क्या होता है भुजा क्यू होता है भाई, बराबर 729। अब क्या करेंगे अपन को निकालनी भुजा, पूछिए अपन को 729 क्यू हो गया, तो अपन क्या करेंगे 9 × 9 × 9 करेंगे, तो आंसर क्या निकल गया अभी अपने पास में 9, और यही करेक्ट आंसर हो गया राइट। बहुत सिंपल सीधी आसान तरीका से बता सकते अपन, यहां पे भी देख के भी कर सकते इसको, लेकिन अपन ने क्या किया भाई, आंसर अपन को जो बेसिक तरीका वो बताना चाहिए, इसलिए बेसिक कितनी बजे निकल गई 9 बजे, तो ऑप्शन नंबर भाई 4 करेक्ट आंसर हो गया। अब करिए अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी कर ही लेते भाई, करिए भाई। करिए भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, करिए भाई क्या आंसर होने वाला, इसको मैं मिटा देता हूं भाई, करिए भाई ये वाला क्वेश्चन करिए आप सभी। देखो एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल 864 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा याद करिए भाई, घन की भुजा निकालनी अपन को, और अपन को क्या दे रखा है भाई, घन का वो पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है भाई कितना, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा भाई, वो दे रखा है अपन को, देखो भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता भाई, क्या होता है भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
ये घन होता है, घन का शब्द प्रेशर छ भुजा एक सार होता भाई। बराबर अपन को दे रखा कितना 864 दे रखा भाई, 864 दे रखा। तो यहां से अपन निकाल सकते, मैंने 6 से किया भाई इसको, बराबर 8 का दे एक बार 6 24 ही गया। तो यहां अपन चाहिए भुजा, भुजा अपन ऐसे दर्शा सकते। तो ये रूट में 144 और 144 का कितना 12 कहते हैं, 12 सेंटीमीटर अपना आंसर इस प्रकार से। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा भाग देने में मिस्टेक आ गई और उस मिस्टेक को ही थोड़ा गलती हो जाती है। थोड़ी स्पीड सीखेंगे दिमाग क्या क्या चीज चलती रहती है। तो अपन क्या आई भाई 44 6 24 6 24, इसलिए भाई इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को आज सेशन अच्छा सेशन लगा होगा, कि थोड़ी मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन भाई सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के जो सेशन पढ़ाया वो आपको शानदार जबरदस्त अच्छा लगा होगा। तो ठीक है दोस्तों, और कल थर्ड पार्ट आएगा वो भी शानदार जबरदस्त होगा।